अभी के पीरियड में बॉयफ्रेंड? नहीं, सच बोल रही हूँ, नहीं। लोढ़ा से कुछ आई उनके काल सखिया। मैसेज करते थे, आप रिप्लाई क्यों नहीं देती थी? आई एम सो सॉरी, ये मेरे सबके लिए है। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों आप सबका स्वागत है फिर से एक न्यू ब्लॉग में। और दोस्तों अभी हम बेतिया में हैं और हमारे साथ देख सकते हैं रोशनी गोस्वामी जी है, और ये जो है एंकरिंग का काम करती है और डांसिंग, सिंगिंग और रील्स भी बनाती है, मतलब बहुत सारा एक साथ में लेकर चल रही है, किसी में भी तो कामयाब होंगे। चलिए इनसे आप बात करते हैं कि बताइए आपका अभी मतलब क्या हाल चाल है। मैं अभी बहुत अच्छी हूँ, आपको दिख भी रही हूँ अच्छी। हाँ, अच्छी हूँ आपको तो दिख रही है। हाँ। मतलब अंदर से होता है ना, आदमी ऊपर से दिखता है कि बढ़िया है, अंदर से नहीं। नहीं, मैं दोनों जगह से बहुत अच्छी हूँ, अंदर से बाहर से सब जगह से बहुत अच्छी, बहुत खुश हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। अभी आपका मतलब रील्स बनाती है कि एंकरिंग की सिंगिंग, अभी क्या कर रही है? इन दिनों रील्स थोड़ा मैं कम बना रही हूँ, क्योंकि मेरा अक्सर प्रोग्राम ज़्यादा रह रहे हैं सिंगिंग का। इवेंट मैनेजमेंट शो में मैं ज़्यादा जाती हूँ, तो वैसे दोनों चीज़ें कर रही हूँ, सिंगिंग भी और रील्स भी, और एंकरिंग भी कभी कभी कर रही हूँ साथ में। सिंगिंग भी करती है जी? एल्बम आया कि नहीं अभी? नहीं, मैं ऐसे परफॉर्मेंस में सिंगिंग करती हूँ, इवेंट्स में सिंगिंग। स्टेज पे? स्टेज पे, उस तरह का। हाँ हाँ, स्टेज पे जो प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पे सिंगिंग करती हूँ। अच्छा, तो लोग प्यार वार देते हैं कि नहीं अभी? बहुत सारा प्यार मिलता है। आप जाती हैं तो कहीं पहचानते हैं कि नहीं लोग आपको? हाँ, लोग पहचानते हैं। अगर कहीं प्रोग्राम में जाती हूँ वहाँ पे, पहले तो पहले दिन जाती हूँ तो पहली बार लोग देखते हैं, फिर वहीं पे दोबारा बुलाया जाता है तो वहाँ पे लोग पहचान जाते हैं मुझे कि हाँ ये रोशनी आई हुई थी इसकी पहली बार। तो वैसे तो थोड़ा दर्शकों को एक बार गाना सुना दीजिए कोई सिंगिंग में, मतलब जो स्टेज पे आप गाती है। स्टेज पे तो थोड़ा डांसिंग वाला सॉन्ग गाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हम आपको एक सॉन्ग सुनाते हैं जो कि बहुत ही अच्छा सॉन्ग है। मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। जिक्रा लाख जोगी मुनि जप तप कैले, से मोरा मिथिला में पौन बन के आईले। आज लोढ़ा से कुछ आई उनके काल सखिया, आज लोढ़ा से कुछ आई उनके काल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। इस प्रकार का जब गाना है तो आपको दोबारा तो लोग बुलाएंगे ये स्टेज पर। क्योंकि ये गाना जो है बहुत बढ़िया है, और इस प्रकार का जो भी इनका गाना आता होगा, मतलब जो दर्शक होंगे ना स्टेज के नीचे जो सुनते होंगे, सुन के एकदम मतलब मियाद मस्त हो जाता है उनका। बहुत सारा अश्लील भी लोग गाते हैं, लेकिन इनका जो गाना एकदम साफ सुथरा गाना है, मस्त मज़ा आ गया सुन करके इनका गाना। और क्या प्लानिंग है आपका, और क्या आगे करना है? अभी तो फ्यूचर का प्लानिंग यही है कि जिस रास्ते पे हूँ बस उसी पे फोकस करना है और बेस्ट करना है, आगे जाना है। एल्बम लाना है कि नहीं अभी? ट्राई कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ एल्बम लाने की, मौका मिले तो मौका पे चौका जरूर मारेंगे एकदम। कोई भी किसी को भी मौका मिलेगा तो चौका छोड़ेगा नहीं, मार देगा। कोई शूट उट हुआ है कि नहीं वीडियो वगैरह? वीडियो शूट मेरा ऐसे प्रोग्राम में हुआ था एक, जब मैं गई थी क्या कहते हैं बिहार अधिवेशन, नेशनल राष्ट्रीय अधिवेशन में। अच्छा। तो वहाँ पे मेरा वीडियो शूट हुआ था प्रोग्राम को लेकर के, जहाँ पे मैंने डांस किया था। तो एक डांस का ही शूट हुआ है मेरा, दो तीन डांस का शूट हुआ है वहाँ पे। अच्छा। जी, मतलब डांस भी आप करती हैं अच्छा से? हाँ। और तो इसके कारण आप रील बनाती है डांस करके ना? हाँ, एक्सप्रेशन डांस इसी सब के कारण। अभी आप कहाँ रह रही है, बेतिया में या फिर कहीं और? घर मेरा बेतिया में, बेतिया में रहती हूँ, लेकिन ज़्यादातर नेपाल रह रही हूँ, नानी घर। आना जाना चल रहा है, थोड़ा घर में फैमिली फंक्शन है उसके लिए। अच्छा, पढ़ाई वगैरह? हाँ, अभी मेरा इस साल मैं फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन में एडमिशन लूँगी, और साथ ही मतलब उसी में स्टडी करूँगी आगे, वोकल लेके ही स्टडी करूँगी। मतलब पढ़ाई भी करना है अभी? हाँ, तो पढ़ाई कैसे छोड़ दूँ मैं, पढ़ाई तो करना है, जो तो ज़रूरी है। कहाँ तक पढ़ाई करना है? पढ़ाई का कोई एज नहीं होता, जहाँ तक हो जाए, जहाँ तक लगे। शादी वगैरह? अभी इसका कोई प्लान नहीं है, लेकिन अगर होगा भी तो कुछ कर, बिना कुछ बने तो शादी करेंगे नहीं, कुछ बन के ही करेंगे। मतलब कुछ बन के ही शादी करना है? हाँ हाँ। अभी के पीरियड में बॉयफ्रेंड? नहीं, सच बोल रही हूँ, नहीं है कोई मेरा बॉयफ्रेंड, बिल्कुल भी नहीं है। कोई बनना चाहे तो? सॉरी। मतलब अभी कोई नहीं करना है, ना शादी ना बुआ, फिर कुछ नहीं, नहीं। मुझे खुद के ऊपर फोकस करना है पूरा। और क्या कहिएगा दर्शकों के लिए?
यही कहूंगी कि आप लोग ऐसे प्यार देते रहे। कैसे आपको प्यार देंगे, अपना आईडी का नाम बताइए। हाँ, मेरे इंस्टाग्राम आईडी का नाम है क्रंची रॉस। स्पेलिंग भी बता दूँ क्या? नहीं, हम लगा देंगे। हाँ, वो लग जाएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा आईडी, और मेरी आईडी को प्यार देते रहिए। और हाँ, अगर आपको भी अपने लाइफ में कुछ करना है, जैसे मैं, क्योंकि बिना कुछ मेहनत किए तो हो नहीं पाता। अभी मैं उसी लाइन में, मैंने अभी सक्सेस पाया नहीं है, बट हाँ मेहनत कर रही हूँ। तो जब तक हम लोग फोकस नहीं रहेंगे, डिसिप्लिन नहीं रहेंगे उस काम के अकॉर्डिंग, तब तक तो होगा नहीं। तो आप भी वैसे ही फोकस रहिए, डिसिप्लिन रहिए अपने वर्क के अकॉर्डिंग। तो ऑफकोर्स ऑन कैमरा आपसे एक सवाल, हम मैसेज करते थे, आप रिप्लाई क्यों नहीं देती थी? आई एम सो सॉरी, ये मेरे सबके लिए है, बहुत लोगों का ये मुझसे प्रॉब्लम है कि मैसेज करते रिप्लाई क्यों नहीं देती हूँ। पहले बात तो मैं सोते रहती हूँ, ये भी कारण है कि मैं रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ। अगर मेरे सामने मैसेज आता है, नींद आता है, तो मैं फ़ोन साइड में रख देती हूँ, मैं रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ। और ऑलरेडी बहुत सारे मैसेज आते हैं, जिस कारण अगर मुझे ढूंढ के रिप्लाई करना पड़ता है। ऐसा बात तो नहीं कि आप मुझे पहले नहीं देखी थी, नहीं जानती थी? नहीं नहीं, एक बार आपसे मिली थी, वो सिटी कट वाले वहाँ पे जो हुआ था, वहाँ पे मैं आपसे मिली थी, जानती तो थी, बट रिप्लाई दे नहीं पाती हूँ। उसके कारण पीछे रीज़न है यही, लेट हो जाता है कभी कभी, या फिर जब तक मैं रिप्लाई देना चाहूँ तब तक ऑलरेडी इतने सारे मैसेज आ जाते हैं। हमारा नीचे चला गया, तो हम कैसे दिखेंगे? वाली जानते भी हैं हमको, तो हम तो नीचे भाई पड़े हैं, हमको कौन दिख रहा है? तो वही ना, नहीं दिखता तो फिर ढूंढना पड़ेगा, इसलिए तो उसके लिए सॉरी। ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम है मुझसे कि मैं रिप्लाई नहीं देती हूँ, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, प्लीज़। अच्छा, हीरोइन बनना है कि नहीं? मौका मिलेगा तो ऑफकोर्स बन जाएंगे, कोशिश तो है। मतलब उसके लिए आपको कुछ अलग करना पड़ेगा ना? हाँ, उसके लिए यही कि मुझे खुद के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, थोड़ा अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और जो आप सिंगिंग करती है, एंकरिंग का काम और रील्स, घर से सपोर्ट मिलता है कि नहीं? सपोर्ट मिलता है, तभी तो यहाँ पे हूँ पापा के साथ। वही तो, देखिए अपने पापा के साथ आइए मतलब इंटरव्यू देने के लिए। और बताइए, जो मतलब इस लाइन में आना चाहते हैं उनको क्या कहिए? देखिए, सबसे पहले तो अगर आप इस लाइन में आना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने फैमिली का सपोर्ट होना ज़रूरी है। अगर सपोर्ट नहीं है तो कुछ ऐसा करके दिखाइए कि हाँ उनको लगे कि हाँ वो आपको सपोर्ट करें। कुछ आप ऐसा करके दिखाइए कि उनको लगे कि वो आपको सपोर्ट करें, और उनके साथ साथ ही आगे बढ़िए, मैं यही कहना चाहूँगी। सही बात है, जब तक आपके फैमिली वाले सपोर्ट नहीं कर रहे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। जब तक फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलेगा कुछ नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए आप कर भी रहे हैं, तो अंदर एक अंदर दुख रहता है कि हाँ फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, वो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। सारी खुशी मिलती है, एक फैमिली अगर सपोर्ट नहीं करे तो सबसे बड़ा दुख है। पहले मेरी फैमिली में शुरू से ही सब कुछ था सपोर्टिव। पहले हाँ ये था कि मैं जब तक पढ़ाई था, क्लास 12 तक मुझे डांस नहीं करने दिया गया था, मतलब परफॉर्मेंस करती थी पर पापा बाहर नहीं अलाउ करते थे। तो एट लास्ट मुझे तब बाद में समझ में आया कि क्यों नहीं अलाउ करते थे, क्योंकि 12 तक पढ़ाई मैंडेटरी है। 12 तक आप अच्छा करो, उसके बाद आप लाइफ में अपने पापा मम्मी से अलाउ लो, और अच्छा जो आपको करना है वो करो। अच्छा, जो लोग मिलना चाहते हैं आपसे कैसे मिलेंगे? देखिए मुझे हम तो बहुत मतलब कैसे मिले हम ही जानते हैं, आप ही जानती है, लेकिन दूसरा लोग अगर मिलना चाहे नहीं तो उसके लिए आप मुझे इंस्टा पे एक बार कांटेक्ट कर लेना, कमेंट में भी इंस्टा पर मैसेज करेंगे कि नीचे चला जाएगा। नहीं नहीं, कमेंट कर देना आप, तो मुझे पता चल जाएगा, तो उसके बाद मैं आपको DM कर लूँगी। अच्छा, नहीं ऐसे ओकेजनली आपको अगर आपको मिलना हो तो ओकेजनली आप मुझे किसी इवेंट के थ्रू ही आप मुझसे मिल सकते हैं, या फिर कोई प्रोग्राम में। अच्छा, कोई अगर बुलाना चाहे अपने द्वार पे प्रोग्राम के लिए तो आप जाएगी? हाँ ऑफ कोर्स, वो प्रोग्राम होता है तो जैसे कोई छठियार में बुलाता है या हाँ, फिर तो होता है उसका, शादी वगैरह में ही बुलाता हाँ, है तो ये वही तो इवेंट शो हाँ, करती हूँ मैं, वही इवेंट शो करती हूँ वहाँ पे सिंगिंग के लिए। तो वहाँ पे अगर आप बुलाएं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं उसके लिए, तो कांटेक्ट कीजिए। फिर उसके लिए चार्ज वगैरह? हाँ चार्ज है उसका, सबका अलग अलग चार्ज है। तो आप अकेले जाएगी या फिर आपके टीम का भी लोग है कुछ? नहीं, अगर जहाँ मुझे लगे कि सिर्फ सिंगर की ज़रूरत है, फीमेल सिंगर की, तो अगर महिला मतलब फीमेल सिंगर की ज़रूरत है तो वहाँ पे मैं जाऊँगी। अगर उनको लगे कि नहीं वहाँ पे टीम की एक ज़रूरत है, तो मेरे टीम हैं उनके थ्रू मैं जाऊँगी, क्योंकि ये टीम भी है, मेरे एक नाना जी हैं उन्हीं के साथ मैं परफॉर्मेंस करती हूँ। अच्छा, मतलब आपके पीछे पूरे परिवार का सपोर्ट है ना? पूरे परिवार का सपोर्ट है, इनके घर के भी, इनके मामा के, यहाँ के भी, सबका सपोर्ट। नानी घर का तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, वहाँ से तो इंस्पायर हुई हूँ। मेरी मौसी की डांस पूरे नेपाल में डांस बहुत ज़्यादा अच्छा करती है, डांस में भी जीती हुई हैं, और फिर मेरे मामा भी मिस्टर नेपाल रह चुके हैं, तो उन लोग से काफ़ी सपोर्ट मिलता है। चलिए बहुत बढ़िया, इतना समय देने के लिए आपको थैंक्स, और क्या कहिएगा लास्ट में?
लास्ट में यही कहूँगी कि खुद के ऊपर फोकस कीजिए और हाँ फैमिली का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। अच्छा दोबारा मैसेज करेंगे तो रिप्लाई दीजिएगा कि नहीं? जरूर दूंगी, इस बार रिप्लाई कर दूंगी मैं। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।